लंबे समय से पर्दे के पीछे से रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल बड़े खिलाड़ी लगता है अब सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय से रूस यूक्रेन और इसराइल हमास से जुड़ी कुछ ऐसी रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय सामने आ रही है कि आने वाले समय में ये युद्ध बढ़ सकते हैं। युद्ध बढ़ने का मतलब कि सिर्फ हमले नहीं बढ़ेंगे बल्कि इनका दायरा भी बढ़ेगा। यानी अभी तक अमेरिका, चीन, इराक और ईरान जैसे देश जो यूक्रेन, इसराइल और रूस के अलावा हमास, हूती और हिजबुल्ला के पीछे से इस युद्ध में शामिल थे, वो जल्द ही खुलकर सामने आ सकते हैं। यानी अब उनके बीच भी सीधी जंग हो सकती है। दरअसल अब रूस और चीन ने अफगानिस्तान में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के खिलाफ अमेरिका और नेटो को चेतावनी दी है। न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक संयुक्त बयान में कहा कि अमेरिका और नेटो को अफगानिस्तान में फिर से सैन्य बुनियादी ढांचा नहीं स्थापित करना चाहिए। रूस और चीन ने कहा कि अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान पर 20 साल तक अपना कब्जा रखा और अब वो एक बार फिर उस देश में और उसके अन्य क्षेत्रों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रूस और चीन का कहना है कि उसे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जगह अफगानिस्तान के आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। रूस और चीन का कहना है कि अफगानिस्तान जिन सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है उसे हल करने में अमेरिका और नेटो को मदद करनी चाहिए। रूस और चीन के नेताओं ने भी द्विपक्षीय स्तर और बहुपक्षीय मंचों पर अफगानिस्तान से संबंधित पार्टनर इंटरेक्शन को बढ़ावा देने का इरादा व्यक्त किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य अफगानिस्तान को आतंकवाद और नशीली दवाओं से मुक्त कराकर एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकजुट और शांतिपूर्ण देश बनने में मदद करना है, जो कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति और सद्भाव के साथ रह सके। रूस और चीन के इन नए बयानों और घोषणाओं को देखते हुए लगता है कि अब ये सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को चेतावनी देने के मूड में आ गए हैं। अभी हाल ही में पुतिन के एक करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव ने अमेरिका और नेटो देशों को झटका देते हुए पोलैंड और फिनलैंड की राजधानी को रूस का हिस्सा बता दिया है और कहा है कि रूस इन्हें लेकर रहेगा। रूस की तरफ से आने वाले इस तरह के बयान साफ इशारा करते हैं कि वो अब अमेरिका को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से रूसी बयानों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये देखना रोचक जरूर है कि अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देता है।